भोपाल शहर काजी सैयद मुस्ताक अली नदवी ने रमजान के महीने में सदका ए फितर कितना अदा किया जाए और जकात अदा करने के बारे में लोगों से बात की और हॉस्पिटलों में जाकर सभी की मदद करने की खुसूसी अपील की। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैत अजमाईन, अम्मा बाद। आज मीटिंग हमारी जो मुनक़िद की गई थी उसमें खास जो पॉइंट था कि सदका फितर जो निकालना वाजिब है साहिब निसाब को अपनी तरफ से, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी, तो हर साल हम दारुल क़ज़ा की तरफ से इसकी कीमत तय करते हैं। तो इस साल सदका फितर की कीमत जो मशवरे से तय की गई है, 1 किलो 633 ग्राम गेहूं निकालना होता है या उसकी हिस्सा जो कीमत दारुल क़ज़ा की तरफ से उलमा ने तय की है वो 50 रुपये फी नफर निकाला जाए। और हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, रमजान का जो महीना चल रहा है और जो पूरी दुनिया के अंदर हमारे शहर हमारे सूबे के अंदर भी जो मुसीबत आई हुई है, इन हालात में तमाम ही मालदारों से इस बात की अपील करना है कि वो मौजूदा हालात में ज़कात निकालने का भी खूब एहतमाम करें, पूरी पाबंदी के साथ, पूरी कहना चाहिए कि जस्तजू के कर उसकी तहकीक कर ज़कात निकाली जाए। और ज़कात का जो निसाब है वो 612 ग्राम चांदी या उसकी मौजूदा कीमत तकरीबन 42,000 रुपये है, तो ज़कात निकाली जाए। और साथ में ये बात अर्ज करना है कि हम जानते हैं कि इस पर लॉकडाउन का मसला चल रहा है, तो तमाम ही मालदारों से इस बात का कहना है कि अपने साथ अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करें कि आपके पड़ोस के अंदर अगर कोई भी है तो उसकी जरूरियात का पूरा पूरा ख्याल कीजिए। और खासतौर से एक बात की कहना है कि इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर बहुत भीड़ लगी हुई है, कोई हॉस्पिटल खाली नहीं है। तो तमाम हजरात से, तमाम खासतौर से मालदारों से ये बात कहना है कि हॉस्पिटलों के अंदर जाइए, वहां जो भी जरूरतमंद है उसकी तमाम जरूरियात का पूरा पूरा ख्याल कीजिए कि ये महीना शहरुल मुअस्सद गफारी का महीना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नमूना था, इस महीने के अंदर आप तेज हवा से ज्यादा रीहुल मुरसला आता हदीस के अंदर आते हैं, इससे ज्यादा आप ज़कात निकाला करते थे। तो हम इसका एहतमाम करें और खासतौर से तमाम ही ईमान वालों से कहना है कि दुआ का खूब एहतमाम करें, इस्तगफार करें कि इस्तगफार का एहतमाम करें, अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह ताला हमको माफ फरमा दे, अल्लाह ताला रहम करम का मामला फरमाए। तो ये महीना दुआओं का महीना भी है, दुआओं का खूब एहतमाम कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे शहर को, हमारे सूबे को, हमारे मुल्क को, हमारे पूरे आलम को अल्लाह ताला इस मुसीबत से निजात फरमाए कि बगैर अल्लाह की कुदरत के, बगैर अल्लाह की मशीयत के पत्ता भी नहीं हिलता है। तो दुआ का खूब एहतमाम कीजिए, अल्लाह ताला इस महीने को पूरी इंसानियत के लिए, पूरी उम्मत के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।